और उनको मिनी भाषा की एक गाना सुनाने के लिए अनुरोध करूंगी। बिल्कुल मंजूर है मुझे। गुड इवनिंग खुलम भाई, मिनी भाषा में गीत सुनेंगे आप? पक्का? चलिए मैं सुनाती हूँ। डोंगर चारोंगा दीदी तारा दूध के पाचर, तारा दूध के पाचे, अरे सास रोसा जाए मारी हिम्मत के पाचे, हिम्मत के पाचे। ये दो लाइन का गाना है, इसमें ये महिला बोल रही है कि हे माँ आपने मुझे ऐसा पावरफुल दूध पिलाया है कि मैं कई डोंगरों को या कई पहाड़ों को पार कर चुकी हूँ, और मैं मेरी जिम्मेदारियाँ जो ससुराल की जिम्मेदारियाँ हैं उनको अपनी हिम्मत से पूरा कर चुकी हूँ। तो ये आप लोगों का प्यार है कि हम भी इतने पहाड़ों को, दरियाओं को, खाइयों को, नदियों को पार करके बोडोलैंड में आए हैं और आपके प्यार को पाकर और भी सरोवर हो चुके हैं। अब ये हमारा परिवार है, घर से निकलता तो ऐसे नहीं लगता अकेले हैं, हम सोचते परिवार में जा रहे हैं और वास्तव में पूरा परिवार मिला है यहाँ पे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार और अभिनंदन हमें इतना खूबसूरत मौका देने के लिए, और आप सभी के साथ कोकराझार से रूबरू होने के लिए, और आज तो भूटान का बॉर्डर भी देखने को मिला हमें। बिल्कुल एक गाना और हो जाए, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो बड़े बुजुर्गों के हिसाब से एक छोटा सा गाना है हमारे मिनी भाषा में कि बुढ़ापा किस तरीके से आ जाता है और उसमें थोड़ी कैसी हालत हो जाती है। पाटेर अंगर के मंगर उगाड़ा, पाटेर अंगर के मंगर उगाड़ा, भैर बुढ़ापो कैयावणिया घोरे, सारी डगमग हाल नाड़। भाई कपड़े भी फट गए हैं, शरीर भी जर्जर हो गया है और जो गर्दन है वो भी ऐसे हिलने डुलने लग गई है। भाई रे बुढ़ापा मेरी कैया वाणी आ गोरे, काल पर यू तो छो छोरो रे छापरो, काल पर यू तो छो छोरो रे छापर, भाई रे बुढ़ापो कैया वाणी आ गोरे, हरी डगमग हाल नाड़। कि कल परसों तो आप बहुत जवान थे, खूबसूरत थे, हंस खुस थे, लेकिन आज आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। और सुनना चाहेंगे एक और? अच्छा फेसबुक पे देखा। हमारे ब्याह शादी में जैसे ननिहाल के पक्ष से नाना नानी मामा मामी जो भी रिलेटिव है वो सारे आते हैं, लड़के की या लड़की की शादी हो उन सब में, मतलब वो अपने हिसाब से कपड़े या कुछ उपहार में कुछ भी वस्तु वो अपने बजट के हिसाब से लेके आते हैं। तो उस वक्त का शादी के दौरान जो आता है भात बोलते हैं उसको, तो उसका एक छोटा सा गाना सुनाती हूँ मैं आपको। दादा खाई धन
इस अंतरे को सब रिश्तेदारों के नाम ले लेके वो गाते रहते हैं कि हम सबके लिए कपड़े और कुछ ना कुछ उपहार लेके आए, सबका सम्मान करने के लिए है। और इसलिए साथ में आप सभी को बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहूँगी और आप सबका तहे दिल से बहुत सलूट करना चाहूँगी कि बोडोलैंड में और बोडो पर सांस्कृतिक परिषद ने, बेटिया सरकार ने और आपकी जो बोडो ऑल इंडियन स्टूडेंट यूनियन है और आप सभी राइटर्स जो किसी न किसी पेशे से जुड़े हुए हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं सलाम करती हूँ कि आप सब ने देश भर की भाषाओं को इतना महत्व देकर उनको सहभागी बनाया और उनको अंकुरित होने के लिए इतनी उपजाऊ धरती और इतना स्वस्थ वातावरण दिया है कि हम बाग बाग हो गए। अब हम कई गुना गति से काम करेंगे अपने अपने क्षेत्र में। इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत तहे दिल से अभिनंदन आप सभी का। कुलुम्बाय बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीरा मीना जी, डॉक्टर मीरा मीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पिठा साहिब मिनी भाषा नहीं कथागिरी।